ने कहा है कि रिव्यू का फैसला आने के बाद इसी फैसले की तवक्को थी। जजेस भुगस से भरे बैठे हैं, वो समझते हैं कि सारा भुगस गुस्सा और अल्फाज तारीख का स्याह बाब बनेंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें मालूम था कि उनके हक में फैसला नहीं आएगा। रिव्यू का फैसला आने के बाद इसी फैसले की तवक्को थी। जजेस का बुक्स और गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है, सारा बुक्स गुस्सा और अल्फाज तारीख का स्याह बाब बनेंगे, फैसला स्याह रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि ये जज साहब बुक्स से भरे बैठे और कल उनका गुस्सा थोड़ा हाथ नीचे कर आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें यार मेरा हाथ क्यों खींच रहा है, अल्फाज के अंदर ढल गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बोगस सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख का स्याबा बनेगा। साबिक वजीर आजम ने इमरान खान के माइनस वन के हवाले से पूछे गए सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जवाब दिए बगैर अदालत से रवाना हो गए।